अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ जी स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी क्लोनिंग ऑफ जीन प्रीवियसली हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था बार टेक्नोलॉजी होता क्या है अभी हमने डिस्कस करना है लफस्य क्लोनिंग ऑफ अ जीन क्लोनिंग ऑफ अ जीन बेटे लफज क्लोनिंग लफज क्लोनिंग का मतलब जो है कॉपीज होता है इट मीन टू से कॉपीज आप ऐसे कह सकते हैं कि हमने एक जीन की क्या करनी है कॉपीज करनी है जीन क्या है दैट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए ये एक डीएनए का सेगमेंट है सेगमेंट ऑफ डीएनए तो इसका मतलब कॉपीज ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए वी हैव अ सेगमेंट और अ स्मॉल पीस ऑफ डीएनए एंड वांट टू मेक अ मल्टीपल कॉपीज तो विद दी हेल्प ऑफ क्लोनिंग ऑफ जीन्स यानि कि इसमें जो टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं हमारे पास कोई भी अगर डीएनए का पीस है तो हम उसकी बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ कॉपीज़ जो हैं वो बना सकते हैं तो यहाँ पे कॉपीज़ को थोड़ी बहुत नहीं बनाते वी कैन मेक मिलियंस ऑफ कॉपीज़ यानी कि हम मिलियंस ऑफ कॉपीज जो हैं वो इसकी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं किसी भी सेगमेंट ऑफ डी के एंड हियरस वी आर गोइंग टू से वी हैव द जीन्स हमारे पास जीन्स हैं जिनकी हमने क्या करनी है कॉपीज बनानी है और बहुत ज्यादा कॉपीज बनानी है अब ये सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है ये एक तो मैंने बताया जीन ने कोई भी हो सकता है चाहे तो ये किसी का सैंपल हो सकता है ड्यूरिंग फॉरेंसिक साइंसेज जो हमें छोटा सा सैंपल मिलता है ब्लड सैंपल या कोई भी हेयर मिल जाता है वॉट एवर तो उसकी उससे डी एन एक्सट्रैक्ट करके हम उसकी एक थोड़ी सी अमाउंट है तो उसकी बहुत ज़्यादा कॉपीज बना लेते हैं तो वो हम इसकी मदद से करते हैं तो इसमें दो टेक्निक्स जो हैं वो क्या होती हैं यूटिलाइज की जाती हैं टू टेक्निक्स जो हैं वो इसमें यूटिलाइज हम करते हैं टेक्निक्स फॉर मल्टीपल ऑफ कॉपीज यानी कि हम इसकी कॉपीज बनाना चाहें मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहें तो पहली टेक्निक हम ये कह सकते हैं दैट इज रिकम्बीनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी रिकम्बिनेंट डी एन ए इसको हम स्मॉल आर एन ए को इस तरह से भी लिखते हैं रिकम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी ये टेक्निक है रिकम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी स्टूडेंट द अदर टेक्निक इज पी सी आर लफज इसमें जो हम यूज करते हैं दैट इज पी सी आर इसका मतलब क्या है इसका मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है इसको हम पी सी आर के नाम से मैंशन करते हैं ज नेक एंडल टेक्निकट्री हम लेबोर के अंदर परफॉर्म करते हैं आप ऐसे कह सकते हैं कि जो है, DNA, हमें मोर कॉपीज चाहिए हों मोर या ग्रेट नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए हो ग्रेट नंबर ऑफ कॉपीज रिक्वायर्ड हो तो हम किसको यूटिलाइज करेंगे यूटिलाइज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इफ वी वांट अ लेसर नंबर ऑफ कॉपीज अगर हमें लेसर नंबर ऑफ कॉपीज रिक्वायर्ड हो लेसर नंबर ऑफ कॉपीज रिक्वायर्ड हो देन वी यूटिलाइज देन वी यूज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन स्टूडेंट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये एक एमसीक्यू भी है कि अगर हमें ज्यादा नंबर ऑफ कॉपीज रिक्वायर्ड हैं तो हम कौन सी टेक्निक जो है वो उसको यूटिलाइज करेंगे और अगर लेसर नंबर ऑफ कॉपीज रिक्वायर्ड होती हैं तो फिर हम कौन सी टेक्निक जो है उसको क्या करेंगे फॉलो करेंगे ये एक एम सी क्यू भी जो है वो हो सकता है स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हम इन दोनों को वन बाई वन डिटेल में डिस्कस करेंगे बट हियर्स वी आर गोइंग टू स्टडी द रिकमी डी एन ए टेक्नोलॉजी यहाँ पे हम रिकम डी एन ए टेक्नोलॉजी जो है इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं रिकम्बीन डीएनए टेक्नोलॉजी इसको स्टडी करेंगे स्टूडेंट रिकम्बिनेंट डीएनए होता क्या है फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट देखें ऐसा डीएनए व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम टू सोर्सेस जो टू सोर्सेस से लिया जाए उसे हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं इसको इन शॉर्ट हम स्मॉल आर डीएनए एन लिखते हैं इसका मतलब है कि द डी एन इज ऑप्टेन फ्रॉम

रिकम्बिनेंट डीएनए तो ये एक रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा हम ऐसे कह सकते हैं इसको मोर इजी करने के लिए कि हमने एक जीन ली है और वो जीन किसकी है ह्यूमन की और हम एक प्लाज्मिड ले रहे हैं प्लाज्मिड आप जानते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया अब जीन और प्लाज्मिड को हमने इकट्ठा किया इकट्ठा करने से ये टू सोर्सेज से ऑब्टेन एक ऐसा डीएनए है एंड दैट डीएनए इज नोन एज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए अब फर्स्ट हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा उसके बाद फिर हम इसको आगे एक जीन एक्सप्रेशन में क्या करेंगे इंसर्ट करेंगे नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू परफॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू परफॉर्म रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो हम इसकी रिक्वायरमेंट्स जो है उनको क्या कर सकते हैं एनलिस्ट कर सकते हैं नंबर वन सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या रिक्वायर्ड है जीन ऑफ इंटरेस्ट। स्टूडेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जिसमें आपको दिलचस्पी है यानी कि जो आप कॉपी करना चाहते हैं द सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज गोइंग टू बी कॉपीड या पे ऐसे कह सकते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए सेगमेंट ऑफ डीएनए टू बी कॉपीड टू बी कॉपीड कह सकते हैं या फिर टू बी क्लोन कह सकते हैं अब वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है वो हमें रिक्वायर्ड होता है you know अब इसको हमें कट करने की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि जहां से हमने सोर्स से लेना है

Endo enzymes, enzymes, enzymes these enzymes are responsible to cut the DNA. DNA को cut कर सकते या फिर आप ऐसे कह सकते हैं क्रोमोसोम के अंदर जो डी मौजूद होता है उसको कट करने के लिए जीन्स को ऑप्टेन करने के लिए हम ये enzymes लेते हैं एंड obtained from, obtained from Bacteria obtained from bacteria. How we can get it? We will discuss in detail in the next bacteria. And so next point, students, if you uh, if you want to join the DNA molecules, then we need an enzymes which is responsible for making a covalent bond between the nucleotides, and that enzymes is known as molecular glue. मोलेकुलर ग्लू कह सकते हैं एंड दैट मोलेकुलर ग्लू जो है दैट इज इनजाइम हुई डी एन ए लाइगेज एज यानी कि इसके लिए हमें क्या चाहिए डी एन ए लाइग एज रिक्वायर्ड है If you remember in chapter twenty, how we have discussed that there is a specific enzymes which is going to make covalent bond between the nucleotides. Like this, if we have cut these molecules, gene को हमने cut किया, we have cut किया, अब इनको आपस में place करके join करने की ज़रूरत है. तो वो जो join हम करेंगे, that is with the help of DNA ligase. we लिए हम molecular glue भी कहते हैं. यानी कि ये Join DNA. ये DNA ko join करेगा आपस में. Join. डी एन ए आपस में उनको ज्वाइन कर देगा स्टूडेंट्स हमारे पास ये चीज तो हमने ओपेन कर ली द बट दिस वन इज नॉन एज मोलिकुलर वेक्टर ये सिंपल वेक्टर भी हमसे कहते हैं कि वी नीड वेक्टर हमें क्या चाहिए होता है एक वेक्टर चाहिए होता है इस वेक्टर को हम मोलिकुलर कैरियर भी कहते हैं मोलिकुलर कैरियर व्हिच इज रिस्पांसिबल टू कैरी द फॉरेन जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द एक्सप्रेशन सिस्टम कैरियर जो है ये क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं कैरी करते हैं किस चीज को जीन ऑफ इंटरेस्ट को दिज कैरी जीन ऑफ इंटरेस्ट ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को आगे कैरी करने में क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज एक्सप्रेशन सिस्टम वी नीड एक्सप्रेशन सिस्टम हमें क्या रिक्वायर्ड होता है एक्सप्रेशन सिस्टम रिक्वायर्ड होता है और ये जो एक्सप्रेशन सिस्टम्स होते हैं ये हम कहते हैं कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम उसको इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करने के बाद उसके अंदर उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो दैट इज़ uh, इसकी भी करेक्ट्रिस्टिक्स होती हैं हम कह सकते हैं द ऑर्गेनिजम्स इसमें हम कह सकते हैं कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होता है ऑर्गेनिजम्स इन विच उसके अंदर क्या बनती हैं कॉपीज बनती हैं यानी कि ये एक इंडिपेंडेंट होता है ये आगे फिर on, आप ऐसे कह सकते हैं कि आगे फिर इसमें जो है कॉपीज होती है वो इसकी बनती रहती है

हाउ टू गेट जीन ऑफ इंटरेस्ट स्टूडेंट्स हम क्लोनिंग ऑफ जीन्स के पढ़ रहे थे और क्लोनिंग ऑफ जीन्स में पहली टेक्निक जो रिकम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी थी उसको हमने डिस्कस करना है रिकम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी की हमने रिक्वायरमेंट्स को अभी डिस्कस किया स्टूडेंट्स इसकी रिक्वायरमेंट में सबसे पहली है हाउ टू गेट जीन्स मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट तो जीनोफ इंटरेस्ट को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं यानी पहला पॉइंट है हाउ टू गेट जीन्स यानी कि हम जीन्स को किस तरह से ऑब्टेन करते हैं हासिल करते हैं स्टूडेंट्स जीन्स को ऑब्टेन करने के तीन तरीके कार हैं मतलब देयर इज थ्री मेथड्स टू ऑब्टेन जीनोफ इंटरेस्ट थ्री वेस कह सकते हैं मेथड्स क्या सकते हैं टू गेट जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन कौन से मेथड्स हैं उसमें नंबर वन सबसे पहला जो है वो है जी बाय कटिंग फ्रॉम क्रोमोसोम्स यानी कि हम क्रोमोसोम से क्या कर सकते हैं ले सकते हैं क्रोमोसोम यू नो दैट क्रोमोसोम जो है इट कंटेन्स मेनी जीन्स इसमें मिलियंस ऑफ जीन्स जो है वो मौजूद होती हैं मिलियंस हंड्रेड ऑफ जीन्स कह सकते हैं हंड्रेड ऑफ जीन्स जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं एट स्पेसिफिक साइट जिसे हम लोकस कहते हैं साइट जिसे हमने लोकस कहा बाय यूजिंग इसमें हम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग एंड्रोन्यूक्स एंड्रिक्लीस की मदद से एंड्रिक्ले न कट हम क्या कर सकते हैं कट एट फ्लैंकिंग साइट स्ट्रेंज ये फ्लैंकिंग साइट क्या होती है दिस इज अ पेलिंड्रोमिक साइट हम इसे कहते हैं पेलिंड्रोमिक साइट ये पेलिंड्रोमिक साइट क्या होती है हम इसे अभी डिस्कस करते हैं पेलिंड्रोमिक साइट स्पेसिफिक सिक्वेंस प्रेजेंट इन क्रोमोसोम एंडोन्यूक्स रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्स कट द डी एन ए हम उससे कट करेंगे और अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर लेंगे ऑप्टेन कर लेंगे तो इस तरह से सिंपल जीन ऑफ इंटरस्ट हम क्रोमोसोम से क्या कर सकते हैं ऑप्टेन कर सकते हैं नंबर टू दूसरा जो मेथड है दैट वी कैन गेट जीन ऑफ इंटरेस्ट बाई सिंसाइजिंग इन लेबोरटरी नंबर टू पे हम कह सकते हैं हम क्या कर सकते हैं uh, उसको केमिकली सिंसाइज कर सकते हैं केमिकली इन ये तब पॉसिबल है जब जीन का साइज छोटा है वेन जीन्स आर स्मॉल जब जीन्स क्या हैं स्मॉल है छोटी छोटी हैं उनकी सीक्वेंस हमें फाइंड आउट हो जाती है उनकी सीक्वेंस जो है सीक्वेंस हमारे पास मौजूद होती है और ये सीक्वेंस की मदद से हम उसे लेबॉरटरी के अंदर क्या कर सकते हैं सिंथेसाइज कर सकते हैं यानी कि ये सेकंड मेथड है अब ये जो सीक्वेंस है ना दैट इज वन साइड एन सी बी आई एन सी बी आई नेशनल सेंटर फॉर टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ये एक वेबसाइट है एन सी बी आई जब आप इसे गूगल पे नोट आउट करेंगे ना लिखेंगे ना तो उसमें ये आ जाएगा अब इस एन सी बी आई पे इंसान की तमाम जीन्स की सीक्वेंस मौजूद है और वो सीक्वेंस आपको प्रॉपरली निक्लोटाइड के सीक्वेंस में मिलेगी जैसे एडिनिन एडिन गोनिन थाइमिन जो भी सीक्वेंस मौजूद है वो सीक्वेंस आपको हर जीन की मिल जाएगी और अगर तो जीन छोटी हैं तो हम उससे लेबॉर्टरी के अंदर क्या कर सकते हैं सिंथेसाइज कर सकते हैं यानी कि इसमें हम लैब को यूटिलाइज करेंगे लेबॉरटरी में हम इसको क्या कर सकते हैं सिंथेसाइज कर सकते हैं हम बना सकते हैं उसकी केमिकल सिंसिसाइज कर सकते हैं उसकी नेचर अगर हमें मौजूद हैं उसके सीक्वेंस हमारे पास मौजूद हैं तो हम ये काम कर सकते हैं तीसरा मेथड जो कि बहुत ही कॉमन और इजी और ज्यादातर लोग उसको फॉलो करते हैं दैट इज जीन कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए इनके मैसेंजर आरएनए से हम ऑप्टेन कर सकते हैं स्टूडेंट एक बात तो आप जानते हैं जो जीन है अगर मैसेंजर आर एन ए से लेनी है तो हमारे पास ये जो जीन मैसेंजर आर एन ए से हम लेंगे मैसेंजर आर एन ए इस पर हम अप्लाई करेंगे रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यानी कि इस पर अप्लाई हमने किया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अब जब हमने ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अप्लाई किया है तो यू नो दैट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये क्या करेगा इस मैसेंजर आर एन ए से आगे आपके पास एक डी एन ए बना देगा इससे हम स्मॉल डी डी एन ए कहते हैं स्मॉल सी डी एन ए का मतलब क्या है इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए कंप्लीमेंट्री डी एन ए स्टूडेंट कंप्लीमेंट्री डीएनए का मतलब क्या होता है कंप्लीमेंट्री डीएनए का मतलब होता है कि द हैव कोडिंग सीक्वेंस द डीएनए द डी एन ए आर जीन विच ओनली हैव हैविच ओनली हैव कोडिंग इसमें सिर्फ और सिर्फ कोडिंग रीजन ऑफ डी एन ए कोडिंग रीजन ऑफ जीन जो है वो मौजूद होता है दैट इफ यू रिमेंबर तो जब हमारे पास प्योरली डी एन ए होता है जीन होती है तो जीन में दो रीजन होते हैं एक कोडिंग और दूसरा कौन सा नॉन कोडिंग अगर सिर्फ कोडिंग रीजन वाला डीएनए मौजूद है यानी जिसमें से नॉन कोडिंग रीजन को क्या किया हुआ है रिमूव किया हुआ है दैट डीएनए इज नॉन एज कंप्लीमेंट्री डीएनए इस मेथड को हम कंप्लीमेंट्री डीएनए के नाम से मेंशन करते हैं मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं इट ओनली कंसिस्ट अपॉन एक्सॉन्स इट ओनली कंसिस्ट अपॉन एक्सॉन्स ये सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स पर मुश्तमिल है एक्सॉन्स आर द कोडिंग रीजन्स तो उसमें हम कहते हैं कि वोजन रखता है हम कह सकते हैं ओनली एग्जो होते हैं सो इसमें भी ओनली एग्जो ही कॉपी होंगे सो दिस मैथड इज़ वेरी कॉमन दैट इज इम्पोर्टेंट एम सी क्यू कि जो बहुत कॉमन और ईजी मैथड है वो कौन सा है तो जो बहुत कॉमन और ईजी मैथड है दैट इज मैसेंजर आर एन ए जीन ऑफ इंट्रस्ट करने के लिए जो so, हमारे पास मैथड है वो कौन सा है मैसेंजर आर एन ए का है एंड यू कैन से दैट इट इज़ अ ईजी मैथड और ये एक ईजी भी है आप ऐसे कह सकते हैं कि हम इसे आसानी से जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं जस्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक एन्ज़ाइम अप्लाई करना है और ये एंजाइम जो है वो आरएनए से डीएनए जो है वो सिंथेसाइज कर देता है और इसमें जो मेनली हमारे पास जीन आती है वो भी कंप्लीमेंट्री जीन जीन आती है जिसका हमें और बेनिफिट होता है कि हम उसको यूटिलाइज करते हैं दिस इज़ इज़ द वन पॉइंट दैट हाउ टू गेट जीन जीन ऑफ़ ऑफ़ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम को कैसे लेते हैं? तो जीन ऑफ़ इंटरेस्ट को गेट करने के तीन हैं, हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका नेक्स्ट दीज आर स्पेसिफिक आर स्पेसिफिक ये स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं स्टूडेंट ये जो एंजाइम है इनका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस ये रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं स्टूडेंट रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस क्यों कहते हैं कहां से ऑब्टेन होते हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इट इज द नेचुरल एंजाइम ऑफ द बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया के नेचुरल एंजाइम है यानी कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं दिस आर द नेचुरल एंजाइम ऑफ द बैक्टीरिया नेचुरल एंजाइम ऑफ बैक्टीरिया पहला पॉइंट तो आपने ये समझा कि हम इसे कहाँ से ऑब्टेन करते हैं बैक्टीरिया से तो ये नेचुरल एंजाइम है बैक्टीरिया के सेकेंड पॉइंट हम ये कहते हैं दिज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस Uh, that will cut the viral dna Kaanse dna ko restriction endonucleases uh, restriction endonucleases enzymes these enzymes these enzymes prevent prevent or protect protect from viral infection from viral

कट करते हैं वायरल डीएनए को एंड डू नॉट हार्म द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स यानी कि विल कट और मेक पीसेस मेक पीसेस ऑफ वायरल डीएनए जो वायरल डीएनए है उसको क्या कर देते हैं कट कर देते हैं अब पीसेस करना या कट करना वायरल डीएनए को बट नो हार्म नो हार्म्स टू बैक्टेरियल क्रोमोसोम्स इस तरह से वो बैक्टेरियल क्रोमोसोम्स को जो है वो इफेक्ट नहीं करते वो वैसे के वैसे ही रहते हैं इफ़ देर इज नो हार्मीरियल क्रोमोसोम्स कट दायरल डी एन ए सो दैट विल रिस्ट्रिक्ट वायरल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं इनका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम क्यों है दैट इज ड्यू टू देयर दीज रिस्ट्रिक्ट ये एंजाइम्स क्या करते हैं रिस्ट्रिक्ट करते हैं वायरल वायरल ग्रोथ को को और यू कैन से दैट वायरल रेप्लीकेशन को या वायरल इंफेक्शन को इन द बैक्टीरिया इन बैक्टीरिया सो दीज आर नॉन एज रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू ये भी एक एम सी क्यू है कि वाई दिज आर गोइंग टू बी सेज रिस्ट्रिक्शन द रीज़न इज दैट बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट द वायरल डेवलपमेंट वायरल ग्रोथ वायरल रेप्लीकेशन इन द डीएनए ये वायरल मल्टीप्लाइन इन द बैक्टीरिया जो है उसको क्या करता है प्रोटेक्ट करता है रिस्ट्रिक्ट करता है

मतलब इसमें जो एम सी क्यू हो सकते हैं वो ये, ये यूज हो सकते हैं किन में से फोर हंड्रेड में से ट्वेंटी आउट ऑफ फोर हंड्रेड जो हैं दीज आर कॉमनली यूज इनको हम आमतौर पर क्या करते हैं यूज करते हैं इन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस में स्ट्रेंथ मोलिकुलर सीजर्स का फर्दर पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स वी वर डिस्कसिंग अबाउट मोलिकुलर सीजर्स जिसमें हमने ये कहा कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोनिक्लेज़स कहलाते हैं नेचुरल इंजाइम्स हैं बैक्टीरिया के दीज इंजाइम्स प्रिवेंट और प्रोटेक्ट फ्राम वायरल इन्फेक्शन यानी कि वायरस के अगेंस्ट बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं दिस विल कट पीस ऑफ वायरल डीएनए, ये वायरल डीएनए के छोटे छोटे पीस बना देती हैं उनको कट कर देती हैं एंड नो हार्म्स टू बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स और बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स को कोई भी इफेक्ट नहीं होता ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं वायरल ग्रोथ को या रेप्लिकेशन को बैक्टीरिया के अंदर सो दैट्स व्हाई दे आर नेमड एज़ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लीजस अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो इस रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से हैं तो एंडोन्यूक्लीजस का मतलब कि ये इस डीएनए को कट कर रहा होता है सो दैट्स व्हाई इट इज नेमड एज़ एंडोन्यूक्लीजस अब देखें स्टूडेंट नंबर ऑफ़ एंजाइम्स जो हैं वो यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं 400 टाइप्स एंजाइम्स की ऑलमोस्ट जो है 400 जो हैं वो हम यहाँ से डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं जिनमें से मोस्ट कॉमनली इन 400 में से 20 जो हैं वो यूटिलाइज होते हैं और कॉमनली इनको यूज़ किया जाता है बाकी जितने भी हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं लेकिन उनको इतना ज़्यादा मोस्टली यूटिलाइज नहीं किया जाता स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइम हु

स्ट्रेंथ ये जो हेमिल्टन ओ स्मिथ ने इसको डिस्कवर किया दैट वाज डिस्कवर्ड एट जोहन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी एट जोहन जोहंस हॉपकिंस यूनिवर्सिटी हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले इस साइंटिस्ट ने इसको क्या किया आइसोलेट किया यानी कि जो आइसोलेशन आप कह सकते हैं या सेपरेशन सबसे पहले जो कह सकते हैं वो तो 1970 में हैमिल्टन और स्मिथ ने जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी में उसने सबसे पहले इसको आइसोलेट किया स्टूडेंट इसकी आइसोलेशन के बाद इस पे आगे वर्किंग स्टार्ट होती है और फिर हमें पता चला कि ये ऐसा एंजाइम है विच कट एट अ स्पेसिफिक साइट व्हिच कट डीएनए ये डीएनए को कट करता है At specific sites, एक खास किस्म की ऊपर अब ये जो स्पेसिफिक हैं कि नाम जो है वो हम कहते हैं दीज आर पेलेंड्रामिक्रामिक या फिर हम इसको फ्लैंकिंग साइट के नाम से भी मैंशन करते हैं फ्लैंकिंग साइट्स दीज आर प्रेजेंट इन एवरी डी एन ए हर डी एन ए में ये मौजूद होती है दीज आर करेक्टराइज बाई सोटाइड फोर टू सिक्स सीक्वेंस ऑफ निक्लोटाइड यानी कि हम इसको करेक्टराइज करते हैं दैट इज करेक्टराइज फोर आर सिक्स सीक्वेंस ऑफ निक्लोटाइड यानी कि ये सीक्वेंस है किस चीज की न्यूक्लियोटाइड की है mm -hmm. और मेमोराइज वन थिंग Which is a MCQ, कि ये इसमें कितने तो स्टूडेंट इसमें फोर मौजूद होते हैं तो student, इसमें, इसमें चार या निक्लोटाइड्स की सीक्वेंस पर मुश्तम होती है विच अरे इन रिवर्स ऑर्डर विच अरे symmetrically इन रिवर्स ऑर्डर symmetrically इन रिवर्स ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर में हम ये एक समेट्रिकल uh, अरेंज्ड होती है हम इसको एक और अंदाज में भी डिफाइन कर सकते हैं वी कैन से दैट देयर इज अ सेम complementary strands इफ ईच रीड इन सेम chemical directions. These are same. These are same complementary strands. Yes same complementary strands complementary strands. If reads if each read in same chemical direction, if each read in same chemical direction. केमिकल डायरेक्शन स्टूडेंट हम एग्जांपल लेते हैं इसकी अब देखिए एक सीक्वेंस है डीएनए की लाइक देयर इज अ डीएनए का वन मॉलिक्यूल व्हिच इज फ्रॉम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम जो कि फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम है इसकी जो सीक्वेंस है वो कैसे है जैसे हमने कहा इसमें ए जी ए okay. एक स्ट्रैंड है जो हमने यहां पे बनाया वी हैव एन अदर हमारे पास एक दूसरा स्ट्रैंड भी मौजूद है इफ आई टॉक अबाउट द अदर स्ट्रैंड तो इसके ऑपोजिट क्या होगा डेफिनेटली इसके ओपोजिट टी होगा सी होगा टी टी ए सी जी सी एंड दैट यहां पर ये इसके निक्लोटाइड मौजूद होंगे एंड दिस डायरेक्शन विल बी ओपोजिट थ्री प्राइम एंड दैट विल बी फाइव प्राइम स्टूडेंट मेमराइज थ्री हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स है अब देखिए का सेगमेंट है विच कंसिस्टेड अपॉन टू स्ट्रेंड्स जो टू स्ट्रेंड्स पर क्या है मुश्तमिल होता है इसमें से हमने फोर या सिक्स पर मुश्तमिल को फाइंड आउट करना है विच सिमेट्रिकली इन रिवर्स ऑर्डर यू कैन से दैट सेम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स इफ स्टैंड रीड इन द सेम केमिकल डायरेक्शन सेम केमिकल डायरेक्शन का मतलब यह है कि दिस इज फ्रॉम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम दिस इज ऑल्सो फ्रॉम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम इफ यू रीड फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस एंड दिस 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 टू शुड बी सेम इनको सेम होना चाहिए या फिर रिवर्स ऑर्डर में ये कैसे होने चाहिए सिमेट्रिकल होने चाहिए द स्टूडेंट यहाँ पे इस सीक्वेंस को यहां तक ऑब्जर्व कीजिएगा ये जो यहां पे हमारे पास मौजूद है दिस वन दिस फोर निक्लोटाइड्स ये फोर निक्लोटाइड्स को अगर देखा जाए तो इनको हम दोनों डायरेक्शन से रीड करें यानी कि यहां पे हम कहते हैं फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम ए ए टी टी

G A T C. Here is I am going to write here T C. Same is trapy as -A hoga G A T C. If I read from 5 prime to 3 prime, 5 prime to 3 prime to same 5 prime to 3 prime, this can be written in the same order g-a-t-c if we read from this g-a-t-c it means to say that sequence which read in the same chemical direction in opposite in complementary strand that will be known as that will be known as palindromic sequence or you can say that that is a flanking site and restriction endonuclease is specifically to cut the dna from this flanking or palindromic sequence and the each enzyme has its own flanking site. Hurricane kick flanking site Here I am going to tell you that one enzyme that is known as Eco R1. Eco R1. Eco R1. ECO -R1. ये बेसिकली uh, इसका नाम जो है ना दैट इज ऑप्टेन अकॉर्डिंग टू फ्रॉम देयर बैक्टीरिया जैसे इको है तो तो इट से तो ये से एंड न्यूक्लियस ये ऑप्टेन किया गया है तो इस तरह से इनके डिफरेंट तरह से एनजाइम जो हैं वो मौजूद होते हैं बट हेयर इज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इको आर दर्बन दिस इको आर वन कट दिस सीक्वेंस इसके लिए ये सीक्वेंस होती है टू पार्ट्स ये टू पार्ट्स में कट होगी कट करने जा रहे हैं इसकी जो नेक्स्ट फॉर्म होगी जब ये इसको कट करेगा तो वो इस तरह से कट करेगा यहाँ पे जी और नीचे वाली जो सीक्वेंस है वो टी जी सॉरी सी साइटोसिन आएगी यहाँ पे सी टी ए और ए दिस इज द वन सिक्वेंस दैट इज फ्रॉम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम अब दूसरा स्ट्रेंड जो इसका होगा दूसरा कट जो होगा वो इस तरह से होगा उसके अगेंस्ट जो होगा वो ए ए टी टी जी सी जी जी सेम नीचे जो होगा वो क्या होगा इसके सी जी सी इसमें जो सीक्वेंस है हम इसको देखें फाइव प्राइम डायरेक्शन ये थ्री प्राइम डायरेक्शन ये बात करें तो फाइव प्राइम डायरेक्शन दिस वन इज थ्री प्राइम डायरेक्शन और इनकी आपस में वही थ्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट कर रही है इसकी भी आपस में स्ट्रेंड की यानी कि यहां से ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रैंड है यहां से ये भी डबल स्टैंडर्ड है लेकिन ये एंड जो कट हुआ है ये इस तरह से कट हुआ है लाइक दिस वन डायरेक्शन ये जो डायरेक्शन इसकी कट हुई है वो इस तरह से डायरेक्शन कट हुई है स्टूडेंट ये जो आगे पीछे से कट हुए हैं लाइक दैट एक ने कट किया है यहां से इसको देखा जाए ये कटिंग पॉइंट है और इस तरफ से देखा जाए तो ये वाला जो है वो कटिंग पॉइंट उसने बताया है यानी कि डिफरेंट जगह से इसने कट किया है तो इस तरह से जो डिफरेंट जगह से कट करता है तो यहाँ पे ये कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है दूसरे के अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है कंप्लीमेंट्री बाइंड विद ईच अदर दे किस नाम से mention करते हैं स्टिकी एंड्स के नाम से मेंशन करते हैं यानी कि स्टिकी एंड्स आप ऐसे कह सकते हैं अन देवल कटिंग फ्रॉम डबल स्टैंडर्ड पहले तो हम ये बात करेंगे इट विल कट डबल स्ट्रैंड दोनों स्ट्रेंड्स को कट करता है बाय अन एकवल अन एकवल साइड से और ये कैसे बनाते हैं स्टिकी एंड्स बनाएंगे जैसे कि यहाँ पे हुआ है एंड एंड्स आर एज स्टिकी एंड्स बिकॉज दे कैन बाइंड विद ईच अदर ये एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं बाइंड कर सकते हैं और एक और तरह के एंड्स होते हैं जिनको हम ब्लंट एंड्स के नाम से मैंशन करते हैं ब्लंट एंड्स कुछ इन्जाइम्स ऐसे हैं जिनमें ये क्वालिटी होती है कि वो ब्लंट एंड्स जो हैं वो कट कर रहे होते हैं एक तो ये स्टिकी एंड्स की बात की है दूसरे एंड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं ब्लंट एंड्स मौजूद होते हैं ब्लंट एंड्स में भी हम कह सकते हैं कट डबल स्ट्रैंड बाय इक्वल साइट कट डबल डीएनए स्ट्रैंड डबल डीएनए स्ट्रैंड्स को कट करेंगे एट या बाय इक्वल साइट इक्वल साइट इन बोथ डीएनए बोथ स्ट्रैंड्स जैसे कि ये एक स्ट्रैंड है इसमें अगर वो यहां से लेट सपोज हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं ए टी जी ए टी सी सी ए ए ए टी टी जी वाट एवर अब इसमें ये जो दो सीक्वेंस हैं ये अगर हम देखें फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम दिस इज फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम अब देखिये जब हम देखें इसमें ये दोनों को इक्वल साइड से कट कर रहा है जैसे कि ये यहाँ से कट कर रहा है और इधर से भी यहां से कट करे यानी कि एक ही सीधे सीधे कट कर दे तो इस तरह की जो कटिंग होगी वो कैसे होती है ब्लंट एंड्स। तो कुछ एंजाइम्स होते हैं वो हमारे लिए जो यूजफुल है वो कौन सी है दैट इज बेसिकली स्टिकी एंड्स ये भी यूजफुल होते हैं इनको हम बाद में स्टिकी बना लेते हैं लेकिन ये डायरेक्टली स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं और स्टिकी एंड से ये वापस आपस में क्या हो सकते हैं हो सकते हैं तो प्लाज्मिड को जब हम कट करते हैं तो स्टिकी एंड्स पे कट करेगा उसके बाद फिर हम उनको ज्वाइन करके फर्दर हम उनको प्लेस कर सकते हैं वैक्टर के साथ अब देखें स्टूडेंट्स हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है पॉइंट डिस्कस किया है मेनली थोड़ी डी एन ए टेक्नोलॉजी लेकिन हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं सीजर्स बिफोर दिस वी हैव दिसकसड हाउ टू गेट जीन जिनको कैसे डिस्कस किया जाता है। तो मलेक्लर सीज़र्स की बात की जाए तो रिस्ट्रिक्शन नेचुरल इंजाइम होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं वायरल इन्फेक्शन से कट करते हैं रिस्ट्रिक्ट करता है ग्रोथ को इसलिए रिस्ट्रिक्शन कहा गया ये कैमसी क्यू है कि टोटल जो है वो इनमें फोर हंड्रेड प्रोड्यूस होते हैं जिनमें से ट्वेंटी जो है वो यूटिलाइज होती हैं फिर हमने कहा कि नाइनटीन सेवेंटी में हेमल्टन और स्मिथ ने जॉन यूनिवर्सिटीज के अंदर इसको, इसको किया ये एट से कट करते हैं फोर और सिक्स निकलोटाइट्स पर मुश्तमिल होती, है। होती हैं और ये अरेंज होती हैं ऑर्डर या पर सेम कम्प्लीमेंट्री स्टैंड से हैं अगर हम इनको अगर हम किसी को भी अगर हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रीड करते हैं जैसे कि ये फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम जी ए टी सी जी ए टी सी सेम है इसके एग्जांपल्स में आ जाता है ये एक है इको आर वन इकोलाइज से लिया गया है इसकी देखी जाए तो ये स्पेसिफिक पेलिंड्रोमिक साइट है इस पेलिंड्रोमिक साइट ए ए टी टी ए ए टी टी से जब ये कट करता है तो दैट विल प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स तो ये कैसे एंड्स प्रोड्यूस करता है स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह के स्टिकी एंड्स ही हमारे लिए यूटिलाइज होते हैं और ब्लंट एंड्स भी होते हैं लेकिन ये स्टिकी एंड्स की बात करें तो ये आगे फिर इनको कंप्लीमेंट्री जॉइन होने में क्या करता है इजीली हेल्प आउट करता है तो इस तरह से हम एक वेक्टर या कोई भी डीएनए होता है उसको कट करके उसमें अपना पीस ऐड करके उनको क्या कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं तो नेक्स्ट पार्ट जो इससे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है दैट इज़ मॉलिकुलर वैक्टर या मोलिकुलर ग्लू है जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जी स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ चुकी है क्लोनिंग ऑफ जीन के लिए दो मेथड्स हैं एक रिकम्बिन डीएनए टेक्नोलॉजी है और दूसरा पीसीआर है यू नो दैट हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं रिकम्बीन डीएनए टेक्नोलॉजी को कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है कई दफा पास पेपर्स में आ भी चुका है दैट इज हाउ टू गेट जीन्स, हाउ टू गेट जीन ऑफ इंटरेस्ट हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे ले सकते हैं कितने तरीकेकार हैं तो इसके तीन तरीकेकार हैं जो हमने पढ़े हैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वट इज पेलिंड्रोमिक साइट और द क्वेश्चन इज दैट हाउ एंडो न्यूक्लियस कट द डी एन एर यू कैन से फ्रॉम विच साइट द एंडो न्यूक्स विल कट फ्लैंकिंग साइट फ्लैंड्रामिक साइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसके अंदर मल्टीपल एम सी के उससे जिनको हमने लेक्चर के अंदर ही डिस्कस किया नेक्स्ट हम इससे नेक्स्ट पॉइंट इसकी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विच इज़ मोलेकुलर वेक्टर जो कि एक मोलेकुलर वेक्टर है तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़